एवरीवन, मैं हूँ ज्योति जसनेदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाई। तो मेरे फेस की हालत से आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आज मैं बेयर फेस हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है स्किन केयर रिलेटेड। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाले मेरा वीकली केमिकल एक्सफोलिएशन रूटीन, जिसमें मैं यूज करती हूँ एक केमिकल पीलिंग सोल्यूशन। और पहले मैं रेगुलर करती थी, लगभग 1.5-2 साल से मैं केमिकल पीलिंग करी और मैं रेगुलर करती थी, वीक में या फिर 10 डेज में एक बार कर ही लेती थी। बट कुछ टाइम से, जब से बेबी हुआ है, तो उसके बाद से कह लीजिए कि मैं बहुत इरेगुलर हो गई। बट अभी मैंने ट्राई करा है पिछले 1-2 महीने से कि मैं वापस से रेगुलर हो जाऊं, क्योंकि केमिकल पीलिंग के ना बहुत ज्यादा फायदे, स्पेशली जब स्किन ऑयली होती है तो ब्लैक हेड प्रोन होती है, व्हाइट हेड प्रोन होती है, उस टाइम के लिए ना मुझे लगता है कि केमिकल पीलिंग सोल्यूशन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत ही डीपली स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करता है, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे कि एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम कम होती है। साथ ही साथ में ये स्ट्रांग कॉम्पोजिशन होता है, तो रेगुलर यूज से एक्ने पिंपल के मार्क्स भी फेड होते हैं। इसलिए मैं पिछले कुछ टाइम से थोड़ा रेगुलर हो गई, तो आई थॉट कि चलो आज मैं यही रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो यूजफुल लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्दो मैंने 2 वीडियो केमिकल पीलिंग पर ऑलरेडी बनाए हैं, एक केमिकल पीलिंग फॉर बिगिनर्स और एक और वीडियो है, दोनों वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। अगर आप एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं डूज एंड डोंट्स एवरीथिंग, तो वो वीडियोस आप चेक करेंगे। हालांकि इस वीडियो में भी मैं बताती जाऊंगी डूज एंड डोंट्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, केमिकल पीलिंग जो है वो हमेशा रात में ही करिए। उससे क्या होता है कि सन एक्सपोजर नेक्स्ट 6-7-8 आवर्स तक नहीं होता है, और केमिकल पीलिंग के बाद क्या होता है ना, स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, तो हमें बचा के थोड़ा सन से उसको रखना होता है। तो पहली चीज है कि उसको रात में करना है। दूसरी चीज कि सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगेन स्किन सेंसिटिव हो जाती है, फोटो सेंसिटिव हो जाती है, तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना। और तीसरा प्रिकॉशन ये लेना है कि जब आप केमिकल पीलिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट 24-48 आवर्स तक आपके स्किन पे कोई अदर एक्टिव मत अप्लाई करिए, बीट विटामिन सी, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल को और जो डिफरेंट एक्टिव्स आते हैं वो स्किन पे नहीं अप्लाई करना है। सो केमिकल पीलिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो है फेस को वॉश कर लेना। तो फेस हमेशा एक जेंटल फेस वॉश से वॉश करना है। ऐसा फेस वॉश ना लें जिसमें लाइक बहुत ज्यादा एक्टिव्स हो, क्योंकि हमें ऐसा फेस वॉश लेना है ना जो कि स्किन को सूथ करे, काम डाउन करे, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो केमिकल पीलिंग का ही होने वाला है, जिसमें हम स्ट्रांग एक्टिव्स का यूज करने वाले हैं। तो मैं जो फेस वॉश यूज करती हूँ स्पेशली केमिकल पीलिंग के पहले, वो है ये द डर्माकोका 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स फेस वॉश, और इट्स एन अमेजिंग फेस वॉश स्पेशली फॉर स्किन बैरियर रिपेयर, डैमेज स्किन बैरियर को रिपेयर करने के लिए इसमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स वगैरह है, तो काफी सूदिंग फेस वॉश और काफी जेंटल फेस वॉश है। तो मैंने मेरे फेस को अच्छे से इस फेस वॉश से धो लिया है और स्किन जो है वो मेरी बिल्कुल ड्राई है। तो केमिकल पीलिंग जो है वो बिल्कुल ड्राई स्किन पे करनी है। राइट नाउ माई स्किन इज कंप्लीटली ड्राई। सो अब मैं अपने स्किन पे अप्लाई करूंगी केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन, और जो केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन मैं यूज करती हूँ वो है ये द डर्माकोका 30% AHA प्लस 2% BHA केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन। इसको मैं लास्ट 1.5-2 साल से यूज कर रही हूँ और मेरे लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद इसको अप्लाई करके 10 मिनट रखना है, तो तब मैं उसकी बाकी डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो इसको मैं मेरे फेस पे, पूरे फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई करूंगी, और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बिल्कुल काइंड ऑफ इसका ब्लड रेड कलर है, और पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अभी इसमें अच्छे से बंद करके रख देती हूं, तो स्टोरेज का ध्यान रखना है कि कीप इट इन अ कूल एंड डार्क प्लेस, और बस इस तरीके से करके पूरे फेस पे, थोड़ा सा नेक पे भी करके मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। अपने आई एंड लिप एरिया को अवॉइड करना है, बस इस तरीके से करके स्प्रेड कर लूंगी। बस अब इसको लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, जो कि राइट नाउ मुझे हो रही है, और थोड़ा सा वार्म फीलिंग आ सकता है स्किन पे, एंड दैट इज टोटली नॉर्मल, ऐसा होता है, डरने की बात नहीं है। तो टिंगलिंग सेंसेशन और वार्म फील करना इज नॉर्मल। तो 10 मिनट तक इसको रखना है, तो लेट मी चेक द टाइम। तो अभी हो रहा है 12:15, तो अभी 12:15 हो रहा है, एंड 12:25 तक मैं इसको रखूंगी।
तो अब मैं इसके अदर डिटेल्स के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन की प्राइस बता दूं, तो ये 599 रुपीस का था, जिसमें 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया। इस कूपन कोड को आप द डर्माको की वेबसाइट पे यूज करोगे तो आपको इस पे या फिर द डर्माको के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। इसको आप कहां से परचेज कर सकते हो, तो डर्माको की वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही है, साथ में अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो परचेज लिंक्स और मेरा कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। फटाफट से पैकेजिंग दिखा दूं आपको, तो सॉल्यूशन की बॉटल है वो आती है कार्डबोर्ड बॉक्स में, जहाँ पे सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है, कैसे यूज करना है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए, सब कुछ। और जो केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन है वो आता है इस तरीके की ग्लास बॉटल में, और यहाँ पे ये ड्रॉपर दिया रहता है, कैप दी रहती है, कैप को रिप्लेस करके मैंने ड्रॉपर लगा लिया है। तो इस केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है वो है 30% AHA एंड 2% BHA, और जो 30% AHA इसमें यूज करा गया है उसमें तीन डिफरेंट टाइप के AHAs का यूज करा गया है, 10% ग्लाइकोलिक एसिड, 10% लैक्टिक एसिड और 10% मैंडेलिक एसिड। तो AHA क्या होते हैं, AHAs आर बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जो कि वाटर सॉल्युबल एसिड होते हैं, और जो हमारी स्किन की सरफेस होती है ना उसको एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, जिससे कि हमें ब्राइट और क्लियर स्किन मिलती है। तो ग्लाइकोलिक एसिड एक बहुत ही अच्छा AHA है जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करके फ्रेश और स्मूथ स्किन रिवील करता है। साथ ही साथ में इसमें 10% ऑफ लैक्टिक एसिड का यूज करा गया, अगेन जो कि एक बहुत अच्छा AHA है जो कि जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन पे काफी जेंटल होता है, साथ ही साथ में हाइपर पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स को कम करने के लिए भी काफी अच्छा होता है। और इसमें यूज करा गया 10% ऑफ मैंडेलिक एसिड, अगेन ये भी काफी जेंटल AHA है, और साथ ही साथ में ये सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है अगेन, जिससे स्किन जो है स्मूथ और ब्राइटर होती है। तो ये तो हो गए तीन तरीके के जो AHA इस सॉल्यूशन में यूज करा गया, साथ ही साथ में इसमें यूज करा गया 2% ऑफ BHA, BHA मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि सैलिसिलिक एसिड के फॉर्म में यूज करा गया है, और ये एक ऑयल सॉल्युबल एसिड होता है, ये हमारे स्किन के पोर्स में डीपली जाता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, क्लॉग पोर्स होने की वजह से जो एक्ने पिंपल्स होते हैं ना उनको रिड्यूस करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो एक्ने पिंपल प्रोन स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड BHA एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, साथ ही साथ में एक्ने पिंपल के मार्क्स को भी ओवर द टाइम अगर रेगुलर यूज करा जाए तो रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये एनलार्ज पोर्स को भी टारगेट करता है। सो बेसिकली आफ्टर 10 मिनट्स स्किन जो है वो इंस्टेंटली ग्लोइंग लगती है, विजिबली ब्राइटर लगती है, और रेगुलर यूज से एक्ने पिंपल के मार्क्स कम होते हैं, साथ ही साथ में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स विजिबली रिड्यूस होते हैं, और मतलब स्किन जो है वो ओवरऑल ग्लोइंग लगती है, डेड स्किन बहुत ही अच्छे से रिमूव होती है। उसी के साथ साथ लेट मी टेल यू कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हुए थे मेरे बैक वगैरह पे, शोल्डर पे, तो पिंपल के मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा रह गए थे, और इनको भी रिड्यूस करने के लिए मैंने रेगुलरली ये केमिकल पील यूज़ करा था मेरी बॉडी पे, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले थे उससे। आई थिंक कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने इस प्रोडक्ट को मेंशन किया था। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो प्रोडक्ट है ये पैराबिन, सल्फेट, डाइज एंड मिनरल फ्री है, और इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस भी नहीं है। इनफैक्ट जो भी न्यू लॉन्चेस है डर्माको की, ऑल ऑफ देम आर फ्रेग्रेंस फ्री। बता दूं आपको कि तो डर्माको हैज टेकन यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिसके अंडर जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे हमारे ऑर्डर को वो लिंक करेंगे चाइल्ड से, जिससे वो हेल्प करेंगे एजुकेट करने में अलॉन्ग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेज टू एजुकेट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो अभी 12:25 हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं मेरे फेस को नॉर्मल या कोल्ड वाटर से वॉश करूंगी, हालांकि अभी बारिश हो रही है तो पानी ठंडा ही आ रहा है नल में से। फेस वॉश का यूज नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश करना है। लास्ट वीडियो में मुझे काफी लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि फेस वॉश करना है क्या, नहीं फेस वॉश नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करना है। तो मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, सो फेस को मैंने वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। कई बार ऐसा होता है ना, जब केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन वॉश करो तो फेस हल्का हल्का सा रेड लगता है, थोड़ी रेडनेस आ जाती है फेस पे, बट वो रेडनेस थोड़ी देर में चली जाती है, इट्स टोटली नॉर्मल। ऐसा स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन कंडीशन है ना तो ऐसा हो सकता है, तो वो रेडनेस इज टोटली नॉर्मल। और राइट नाउ आप देखो, मैंने अभी कुछ भी मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाया, जस्ट फेस को वॉश किया है, और राइट नाउ मतलब मुझे लाइक छू के पता चल रहा है कि माई स्किन इज सो क्लीन एंड स्मूथ, मतलब नोज एरिया, ये चिन एरिया मेरा, मुझे छू के पता चल रहा है कि
कि काफ़ी ज़्यादा स्मूद लग रहा है एंड मुझे लगता है कि स्किन मेरी थोड़ी थोड़ी ग्लोइंग भी लग रही है। तो 10 मिनट के अंदर ही, मतलब ये 10 मिनट्स ग्लो अप चैलेंज हो गया काइंड ऑफ, 10 मिनट के अंदर ही स्किन बिल्कुल रेडिएंट एंड ग्लोइंग लगती है, साथ साथ स्मूद, बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है। मेरा जो ये नोज एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स प्रोन है, बहुत जल्दी ब्लैकहेड्स आते हैं। ऑल्दो आई यूज सैलिसिलिक एसिड वगैरह, बट स्टिल ब्लैकहेड्स ऐसी चीज़ है कि अगर ध्यान ना रखो तो वो बहुत जल्दी से आ जाते हैं। तो स्पेशली जो मेरा नोज एरिया है और जो मेरी चिन एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है एंड आई रियली रियली लव द रिजल्ट। जब भी मैं ये केमिकल पीलिंग सोल्यूशन यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, तो अब आते हैं कि इसके बाद क्या अप्लाई करना है। तो इसके बाद आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो जिसमें कोई भी एक्टिव्स ना हो, जिसमें स्कोअलेन हो, सेरामाइड्स हो, सेंटेला हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो कि आपकी स्किन को सूद एंड काम डाउन करे, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करे। तो जिसमें एक्टिव्स हो, वैसे वाले मॉइस्चराइजर ना यूज करें। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा और आपको एलोवेरा जेल अगर सूट करता है तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए। एलोवेरा जेल इज द सेफेस्ट ऑप्शन आई थिंक, और मैं भी एलोवेरा जेल ही अप्लाई करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉइस्चराइजर जो मेरे पास है उनमें कोई ना कोई एक्टिव है ही, थोड़ा कम ज्यादा कोई ना कोई एक्टिव है ही। तो मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन होता है एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल मुझे सूट करता है। तो मैं केमिकल पीलिंग के बाद एलोवेरा जेल ही अप्लाई कर लेती हूँ भर भर के। और अब मैं अगले 24 घंटे तक मेरे स्किन पे कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं लगाऊंगी और सुबह उठूंगी सबसे पहले फेस वॉश करूंगी और सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी। बहुत ज्यादा जरूरी है सनस्क्रीन अप्लाई करना। सो या, ये था मेरा वीकली केमिकल एक्सफोलिएशन रूटीन। आई रियली लव दिस रूटीन, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब भी मैं ये अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उसके बाद स्किन बहुत ही अच्छी लगती है और सिर्फ 10 मिनट में। तो यस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, उनके साथ भी शेयर करिएगा जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर है तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।